अब हम यहाँ अयाज को देखेंगे ना, दिखते रह जाएंगे। बिल्कुल आतिफ भाई की कॉपी है। आतिफ का नाम मेरे सामने, मेरे लिए मर चुका है। छोड़ दें ये बातें। आतिफ भाई और आफिया भाभी के झगड़े में सारा नुकसान तो अयाज का हुआ है। अब हम यहाँ उसे अपने पास क्यों नहीं रख सकते, आपके साथ? हाँ, मैं तो उसे कबूल करने के लिए तैयार। आतिफ की दुल्हन और उसकी अम्मा ने उसे इतना वरगलाया कि हमारी शक्ल देखने तक का रवादार नहीं था। उस मासूम अयाज का क्या कसूर? इस घर में तो वो हाल है कि बदला लेने के बाद भी किसी को सुकून नहीं मिला। अच्छा ये बताओ बेटा, हमें मेरी बात कर रहे हैं ना? ये बताओ बेटा कि भाभी साहब का सलूक कैसा है तुम्हारे साथ? रहने देंगे बातें, आप बताएं। आपकी तबीयत ठीक है? नूर ज्यादा तंग तो नहीं करती? डांट लगाऊं इसकी? नूर, इस लड़की को जरा करार नहीं है भाई, जरा जो समझ बूझ हो इसमें। अपना ख्याल रखा करें। अच्छा बेटे, मुझे एक बात और भी पूछनी है तुमसे। अच्छा मुस्कुराओ ना यार, देखो मैं बैठूंगा नहीं, सब लोग देख रहे हैं, मुस्कुराओ। शुक्र है यार, चाहे थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आई। कसम से तुम्हारी इस मुस्कुराहट के लिए तरस गया हूं। मुझसे नाराज मत हुआ करो यार, प्लीज। तुम पता मेरी क्या हालत होती है? तो अब मैं नाराज होने का हक भी नहीं रखती? हाँ, हर चीज का हक है तुम्हें, शौहर हूं तुम्हारा। थोड़ा एतबार तो किया करो मेरी जान, जानती हो मुझे अच्छी तरह, नया रिश्ता थोड़ी उससे। 10-12 साल हो चुके, मुझे तो याद भी नहीं कब हुआ था। अगर मेरे दिल में मेरी नीयत में कोई खोट होता तो मैं पहले ना ले आता उसको। जो भी है, लेकिन अगर आप उसे करीब गए या एक लम्हे के लिए भी उसे छुआ तो? छुआ? कैसी बात सोच रही हो तुम? तुम मेरे जहन में डाल रही हो, मेरे तो जहन में बात भी नहीं आई है, हो ही नहीं सकता। कभी बस ऐसी बातचीत हो जाती नहीं तो क्या करोगी तुम? जान दे दूंगी। ऐसे ही जान दे दोगी? तुम्हारी जान कितनी सस्ती है? जान दे दूंगी। वैसे पहले तो तुम मेरी जान लेने की बात करती थी, अब अचानक से क्या हुआ? हम जानते हैं मैं आपकी जान नहीं लेती। बस यही तो बातें तुम्हारी, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ ऑर्डर किया या नहीं? मैं भाई, ये ले फोन। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। बात हो गई है बामिया की? जाहिर है, फोन लेके की थी तो बात तो की होगी। ऐसे कैसी है वो, खुश है? खुश है। वैसे मेहरान भाई, मेरी मायना तो आप शादी कर ले, यही तो उम्र होती है। ऐसे कौन सी किताब में आपने पढ़ा कि इस उम्र में शादी करना फर्ज है? मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत संजीदा हूँ मैं। अगर 1-1.5 साल और गुजर गया ना तो फिर शायद ही कोई लड़की आपसे शादी करने के लिए राजी होगी। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे कैसी लड़की से शादी करेंगे आप बताएं? मैं ढूंढूं आपके लिए वैसी लड़की आपकी पसंद के ऐन मुताबिक। नूर, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। मेहरान भाई, मैं तो कहती हूँ छोड़ें किस्सा मेहरबानों का, कुछ और सोचें। आपकी जिंदगी में आगे बहुत कुछ है। देखो बहुत छोटी हो अभी, ये बातें तुम्हारे करने वाली नहीं है। मैं तो कुछ सुनता ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं देता मुझे, जा रही हूँ मैं। अच्छा ये गेट बंद करती हुई जाना। नहीं करूंगी मैं, खुद ही कर लेंगे।